नमस्कार, मैं सृष्टि क्राइम 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। मधुबनी बिहार के गोगरडीह में आगामी 4 अप्रैल के स्थानीय निकाय प्राधिकार MLC चुनाव को लेकर बिहार सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। मधुबनी जिले के बिहार के अंतर्गत गोगरडीह में शनिवार 2 अप्रैल को बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया व MLC पद निकाय प्राधिकार चुनाव के NDA उम्मीदवार को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का नया आयाम जोड़ने में सफल रही है। मंत्री श्री झा ने सरकार की उपलब्धि का स्थानीय भाषा में ही विस्तार से रखा। वहीं सम्मेलन को स्थानीय विधायक सहमंत्री परिवहन विभाग शीला कुमारी ने भी संबोधित किया। परिवहन मंत्री ने भी उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से NDA प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सम्मेलन को भाजपा व जदयू के कई नेताओं ने के अलावा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। मधुबनी बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आजाद की विशेष रिपोर्ट। अनाज सबको भेटले के नहीं भेटले, ईमानदारी के बात कही ताली बजा के ऊन ताले जकर अनाज भेटले सबके घर में गेले। असली टेस्ट होइ छे कोनो नेता का जहन संकट होइ छे ओहि समय में ओ केहन काज करै छे। नॉर्मल टाइम में तो ठीक छे, एहन संकट शायद हम सब तो नहीं देखलिए। हम सब अपन बापो दादा से नहीं सुनलिए जे पूरा दुनिया बंद भ जेते, पूरा दुनिया ठप भ जेते, ट्रेन बंद भ जेते, बस बंद भ जेते। एहन कोन चीज भ गेले जे लोग अपन परिवारों में लोग के दूरी भ गई, डिस्टेंस भ गई और लगले की हाल है। या सब कहे कि सबसे बेसी डेथ बिहार में है, इतने जनसंख्या छे, इतने लोग बाहर से आ रहल छे, लेकिन सबसे बेसी डेथ कतौ भेले महाराष्ट्र, सबसे बेसी डेथ कतौ भेले केरल, रिकॉर्ड देखियो। लेकिन बिहार में अनाज होए, इंजेक्शन होए, टेस्ट होए, जे संभव रहे मेडिकल फैसिलिटी, वो प्रयास अगर नहीं हुई थे, सही बात है, जे स्केल के ये प्रॉब्लम आ गए तो अलग परिस्थिति नहीं। वही समय में टेस्ट हुए ना, आई नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री रहतीन और आदरणीय मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री रहतीन, एक कोऑर्डिनेशन के वजह से आए इतने पैघ संकट से हम सब दुर्गे स्थान में।